आज हम लोग 11th क्लास के रसायन विज्ञान में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक परमाणु द्रव्यमान इकाई, उसके बाद मोलर द्रव्यमान और उसके बाद ग्राम परमाणु को, ग्राम एटम को पढ़ने सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने का प्रयास करें परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान इकाई एक इकाई है जो यह बतलाती है कि उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन C12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के बारहवें भाग से कितना गुना भारी है, अर्थात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को तौलने वाली इकाई को परमाणु द्रव्यमान इकाई या एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। अब हम इसका निर्धारण करेंगे, एक मोल में 6.022 × 10²³ कार्बन परमाणु का 12 ग्राम होता है, इसलिए एक कण में 12/6.022 × 10²³ ग्राम होगा। अतः एक एटॉमिक मास यूनिट में, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई में हम जैसा कि देख रहे हैं कि यह 12 और 12 कट जाएगा तो हमारा मान जो बचेगा, हमारा मान जो बचेगा 1/6.022 × 10²³ हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/ यह 6.022 को नीचे रखने देंगे और इसको हम पावर को नीचे से ऊपर कर देंगे तो जो पावर प्लस में था पावर माइनस में आ जाएगा। अब इसको जब हम भाग देंगे तो भाग देने पर एक परमाणु द्रव्यमान इकाई में 1.6603 × 10²-424 ग्राम प्राप्त होता है। और इसी से हम किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, अर्थात परमाणु के द्रव्यमान को तौलने वाली इकाई। अब दूसरा टॉपिक पर हम विचार करें कि सबसे पहले टॉपिक में हम लोगों ने यहां पढ़ने और समझने का प्रयास किया, नंबर एक में परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। दूसरे टॉपिक में हम यहां यह पढ़ने का प्रयास करें ग्राम परमाणु क्या है। यह बहुत सरल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है, ग्राम में बताया जाता है, ग्राम में दर्शाया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु कहा जाता है। ग्राम परमाणु बराबर तत्व का ग्राम में भार बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तत्व का एक ग्राम परमाणु बराबर ग्राम में व्यक्त परमाणु का द्रव्यमान होता है, अर्थात एक मोल परमाणु
कि संख्या का द्रव्यमान होता है एक ग्राम हाइड्रोजन परमाणु बराबर 1.008 ग्राम हाइड्रोजन होता है। इसी प्रकार 1 ग्राम सोडियम बराबर 23 ग्राम सोडियम होता है। इसी प्रकार 1 ग्राम जल बराबर 18 ग्राम जल होता है। इसी तरह से 1 ग्राम नाइट्रोजन का परमाणु बराबर 14 ग्राम नाइट्रोजन होता है। अब हम बात करते हैं मोलर द्रव्यमान की, बात करते हैं किसी तत्व के 1 मोल में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को उसका मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। जितना भी पदार्थ है वह या तो अणु के रूप में रहता है, परमाणु के रूप में रहता है, या आयन के रूप में रहता है। 1 मोल में हम लोग जानते हैं 0.6022×10⁻²³ कण पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल है, अमोनिया का मोलर द्रव्यमान 17 ग्राम प्रति मोल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान 35.6 ग्राम प्रति मोल है, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान 56 ग्राम प्रति मोल है, नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान 63 ग्राम प्रति मोल है, सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान 58.5 ग्राम प्रति मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम प्रति मोल है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान 28 ग्राम प्रति मोल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान 98 ग्राम प्रति मोल है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान 100 ग्राम प्रति मोल है, यूरिया का मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम प्रति मोल है, ग्लूकोज का फ्रुक्टोज का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम प्रति मोल है, माल्टोज सुक्रोज का मोलर द्रव्यमान 342 ग्राम प्रति मोल है, चीनी या शुगर का मोलर द्रव्यमान 342 ग्राम प्रति मोल है। अर्थात इस सूत्र की सहायता से, इस व्यवस्था के द्वारा हम और आप अभी तक ज्ञात जितना भी यौगिक है, जितना भी रासायनिक तत्व है, उसके कंपाउंड्स हैं, उसके मोलर द्रव्यमान को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि एक हम लिखते हैं NH4Cl, इसको आप क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अब इसके मोलर द्रव्यमान को ज्ञात कीजिए, यह नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 14 है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है, 1×4=4। क्लोरीन का द्रव्यमान कितना है, 35.5। आप इस सभी को अगर जोड़ देंगे तो यह मान प्राप्त होगा 0.5594413 3141 5। अमोनियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान 53 ग्राम प्रति मोल है। अर्थात हम लोग इसी के अनुसार जितने भी तत्व होंगे उसके मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से अगर हम यह एक तत्व है,
एक यौगिक की हम बात करते हैं, यह यौगिक है बहुत प्रचलित C2H5OH, इसको हम इथेनॉल इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसके मोलर द्रव्यमान को क्या करें, यह कार्बन का जो मोलर द्रव्यमान है यह है 12 × 24, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 × 5 और ऑक्सीजन का 16 द्रव्यमान है, फिर हाइड्रोजन का 1 है, यह ऑक्सीजन के लिए है, यह है हाइड्रोजन के लिए। तो कहा जाता है कि इसमें यह जो इसका द्रव्यमान है 1, 6, 7, 5, 12 और 4, 16, 16 के लिए हम लोग कितना लिखते हैं, 6 लिखते हैं, बाकी बचा 1, उसके बाद 1 और 2, 3, 3 और 1 बाकी जो बचा था 4। इस तरह से हम इथाइल अल्कोहल के मोलर द्रव्यमान की बात करेंगे तो 46 ग्राम प्रति मोल हो जाता है। आशा और विश्वास की जानी चाहिए कि इस तरह से जहां भी मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना होगा हम लोग सावधानी पूर्वक ज्ञात कर सकेंगे। धन्यवाद।